तो मेरे पास स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं रहता, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, कभी मैं अपना काम करते रहता हूँ। तो उन लोगों के लिए कौन सा शेयर अच्छा रहेगा जो खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दे और टेंशन की कोई बात ही नहीं है? तो चलिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको ऑफिस में काम होता है या वो अपने काम में वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते, तो उन लोगों के लिए आज मैं लाया हूँ दो ऐसे स्टॉक जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो आज मैं दोस्तों पेपर सेक्टर से दो पेपर कंपनियों को उठा लाया हूँ जो आपको कर देगा माला माल, ठीक है। और जो सबसे पहला मैंने बताया था इमामी पेपर, बाप रे बाप, वो उसको तो मतलब आप सोच नहीं पाइएगा इतना प्रॉफिट दे दिया। वो 60 रुपया का स्टॉक 140 रुपया हो गया, वो भी कुछ दिनों के अंदर, एक सप्ताह के अंदर अगर वो पैसा डबल करता है इमामी पेपर, तो सोच लीजिए। और मैं जो बता रहा हूँ आपको पेपर सेक्टर, उसमें कितना दम होगा। तो दोस्तों चलिए आज ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको अच्छा से अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, दो पेपर का इंडस्ट्री है यहाँ पर, देखिए दो पेपर का इंडस्ट्री, एक जेके पेपर है। और देखिए जेके पेपर के बारे में मैंने बहुत बहुत पहले वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को बोला था बाय करने दोस्तों। और उसके बाद एक भी ये देख सकते हैं कि उसके आसपास ही 170 की रेंज के आसपास है। एक मिनट, तो सबसे पहले हम सियासी पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही तगड़ा है, मैं आपके सामने जो है आप दिखाता हूँ, ठीक है। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 170, एनएससी बीएससी दोनों में 170 के आसपास ही चला, ठीक है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ दोस्तों, इसका मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा से पूरा चार्ट दिखा दूँ। थोड़ा अगर आपको अच्छे से नहीं दिखेगा फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये कभी कभी पहले देख सकते हैं दोस्तों, कभी कभी पहले के ज़माने में 2000 के आसपास ये स्टॉक बहुत मतलब 2-4 रुपये के आसपास जो है ये ट्रेड किया करता था, 2-4 रुपये के आसपास, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपीज़ बहुत दूर है, 100 रुपीज़ बहुत दूर है, ठीक है। और आज के डेट में दोस्तों इसका परफॉर्मेंस देखो, देखो इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कैसे ऊपर जा रहा है, देखिए धीरे धीरे कैसे ऊपर जा रहा है आप देखिएगा। देखिए धीरे धीरे दोस्तों इसने यहाँ टच कर दिया, मतलब ये 300 को भी हाइएस्ट मार दिया था, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए हाईएस्ट मार दिया था। तो दोस्तों ऐसे कंपनी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और आप लोगों को पता है एक चीज़ मैं आप लोग साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, देख लो कि अभी जितने भी गवर्नमेंट है, पहले तो बोला जाता था लेकिन अब प्लान को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया है दोस्तों, प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जितने भी प्लास्टिक थे वो बैन हो गया है। और उसकी वजह से जो अभी बजट आने वाला है और आने वाले दिनों में भी दोस्तों, ये जो पेपर इंडस्ट्री है ना, इतना कमाल करके आपको दिखाएंगे कि आप सोच नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सोच लो थोड़ा सा कि पेपर को रिप्लेस करने वाला चीज़ क्या कोई है? रिप्लेस नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, था लेकिन क्या था? प्लास्टिक था। और प्लास्टिक अब हटा दिया तो दोस्तों पेपर का कंजप्शन, जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से पेपर का डिमांड और भी इंक्रीज होते जाएगा, वो भी धीरे धीरे नहीं स्पीड में होगा। और जो ब्रोकर हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी एनालिसिस है और कंपनी का वैल्यूएशन देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 100% बाय करना चाहिए ये स्टॉक, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर 100% लिखा हुआ, कम से कम 50% तो अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कंपनी का वैल्यूएशन देखने के बाद। कि इसमें देख लीजिए ना, एक भी होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, ना एक भी देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सेल करने के लिए बोल रहे हैं, सब लोग आपको बाय करने के लिए ही बोल रहे हैं। और प्लास्टिक की वजह से पेपर इंडस्ट्री सही से नहीं चल पाता था, उसकी वजह से पेपर, बहुत सारे ऐसे पेपर इंडस्ट्री हैं जिनको कर्ज लेना पड़ता था अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्केल अप करने के लिए। लेकिन ये कंडीशन में ये कंपनी देखिए अपने आप को स्टेबल रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके सामने टोटल डिप्स दिखाई दे रहा है, एक मिनट मैं आपको जूम कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल डिप्स, अभी कितना इसके पास कर्ज है वो हम देख लेते हैं ये लाइन में, ये देख लीजिए आपके सामने कितना बताया जा रहा है दोस्तों, 51.48 करोड़ के आसपास होगा, जो भी होगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली एक सपोज मान लेते हैं तो 50 के आसपास है, ठीक है। लेकिन जितना कर्ज होना चाहिए उससे 4 से 5 गुना इसके पास असेट्स भी होना चाहिए। क्या होता है उससे कि दोस्तों इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, कि अगर कल को उसका परसेंट, अगर इंटरेस्ट का परसेंट अगर इंक्रीज कर देता, जो हिंदी में हम बोलते हैं सूद ब्याज, तो उसको भी ये अच्छा से और एक झटके में हटा सकता है। इसका देख सकते हैं टोटल असेट कितना, ठीक है। जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी होती है या बैंक्रप्सी होती है, कुछ भी होती है, तो फर्स्ट चीज उसका क्या देखा जाता है? असेट्स देखा जाता है, कि कंपनी का असेट्स कितना है, कंपनी के पास असेट्स कितना है।
अगर कल को कुछ हो जाता है तो ये कहाँ से पैसा ला के देगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके पास कितना कर्ज है, और कर्ज के बाद इसके पास कितना असेट है। तो असेट के मामले में यहाँ पर देख लीजिए कितना असेट है, 50 करोड़ था, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों अराउंड 990 अप्रोक्सीमेटली, एक सपोज मान लेते हैं 1000 के आसपास, तो मान लीजिए 1000 नहीं तो 900 ही मान लेते हैं दोस्तों। अगर ये 900 में से 50 अगर दे भी देगा तो इसके पास बहुत बचेगा, मतलब सोच सकते हैं इसके पास अच्छा खासा ये है, असेट है। तो ऐसी कंपनियों को हमें बाय करना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, जिससे हमें आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। और कंपनी का परफॉर्मेंस का जहां बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है दोस्तों, 2 बार या सॉरी ये बोनस दिया, डिविडेंड तो दिया है लेकिन पहले मैंने बोनस दिखा दिया, ठीक है। तो बोनस दोस्तों 2 बार दिया और तगड़ा बोनस दिया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड बोनस दिया है। यहाँ पर देख सकते हो 1:1 का, 1:2 का, दोस्तों 1:2 चलो ठीक है, लेकिन 1:1 पेपर इंडस्ट्री ने दिया। सपोज देख लो दोस्तों इमामी पेपर ने पैसा डबल कर दिया और ये पेपर इंडस्ट्री मतलब कमाल ही किया जा रहा है। तो अगर ऐसे स्टॉक को आपको खरीदना है दोस्तों तो आराम से आप साल में पैसा दुगना कर सकते हो, 5 साल में पैसा 5 गुना कर सकते हो, आपको बस पेशेंस रखना है, आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों बोनस, बोनस के मामले में कंपनी बहुत अच्छी, आप डिविडेंड के मामले में ओ माय गॉड, डिविडेंड के मामले में आपको पूछना ही नहीं है। यहां पर देख सकते हो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है डिविडेंड, पहले 40, 50, 100, 150, 200, 40 से यहाँ 200 तक पहुंचने के लिए हमें क्या से क्या नहीं करना पड़ता है, और कंपनी देखो कितना प्रॉफिट दिए जा रही है। और उसके बाद आपको बिलीव नहीं होगा, जेके पेपर को दोस्तों इसका भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और जेके पेपर को मैंने बोला था 115 रुपीज़ के भाव पे बाय करने के लिए, 115 रुपीज़ के भाव पे, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं डेली वीडियो में दिखा दिया करता हूँ, आज शाम को भी मैं दिखा दूंगा, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये था दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक जो आने वाले दिनों में इंक्रीज होंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बस इतना बताएंगे कि ये स्टॉक का इतना प्राइस बढ़ चुका है, ये स्टॉक का इतना प्राइस जो है डिक्रीज हो चुका है, यस बैंक में 30% की गिरावट देखी गई है, यस बैंक में 20% का अपर सर्किट लगा। तो मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कौन से स्टॉक में कितना गिरावट हुआ है, क्या हुआ। लेकिन दोस्तों आपको ये पता रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जिससे आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और ये लोग बहुत कम बताते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहाँ पर आपको एक दिन पहले बताया जाता है, ताकि आपको एक दिन जब पहले पता रहेगा तो आप अच्छा से अच्छा पैसा जो है बना सकते हो मार्केट में। यहाँ पर आप हर जगह देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक ऐसा स्टॉक बताया जिसमें रिलायंस से 2 गुना प्रॉफिट होता है, 2 गुना रिलायंस जितना देता है। देखिए रिलायंस में क्या है, सेफ्टी है, सियोरिटी है, उसके बाद उससे भी अच्छा स्टॉक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हर जगह मैंने भारत डायनेमिक में आपको अच्छा प्रॉफिट दिया, बजट आने वाले यहाँ पर मैंने 3 स्टॉक बताया उसमें भी आपको अच्छा स्टॉक दिया। यहाँ देख सकते हैं टाइटन को टक्कर देने टकने वाला दोस्तों 40 रुपये का स्टॉक। अब बताइए टाइटन 1000-2000 में ट्रेड होता है और 40 रुपये का स्टॉक अगर उसको टक्कर दे रहा है तो हम उसको खरीदेंगे ना, ताकि अच्छा से अच्छा हमारे वेल्थ क्रिएट हो सके। ये देख लीजिए एक दिन, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर मैंने जो है 40% का रिटर्न निकाल के दिया आपके सामने है, मैंने आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ला दिया हूँ, आप हमारे सारे वीडियोज़ के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक दिन पहले पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन जुड़ने से पहले एक कंडीशन है, नंबर नोट करने से पहले एक कंडीशन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे डेमो चाहिए, सिंपल चाहिए, ट्रायल चाहिए, जो भी चाहिए हमारे यहाँ से यूट्यूब में ही बता दिया जाता है, अवेलेबल कर दिया जाता है डेमो सिंपल ट्रायल सब लोगों के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, अगर उसके बाद आप सेटिस्फाई हैं, अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये व्हाट्सएप का परमानेंट नंबर है, उसके बाद ये जो नीचे वाला नंबर है ये कांटेक्ट नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।